अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काजिम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल काजिम के पेट। अच्छा भाई यार, अभी जो है बाहर तो हो रही है तेज बारिश, बल्कि पहले नहीं हो रही थी। ये देखें, ये तो बारिश एकदम से ही तेज शुरू हो गई है यार। ये तो देखें, बहुत ही तेज शुरू हो गई है। तो खैर यार, अच्छा कल जो है ना लेके आया था मैं अपने लिए रैबिट्स, इनको मैंने कर दिया था बंद यहाँ पे। यार आज जो है ना इधर इनके लिए करना था, बिछानी थी अंदर रेत, लेकिन अब वो बाहर जो है ना बारिश शुरू हो गई है इतनी तेज़, तो वो जो है ना सारा सिस्टम ख़राब हो जाना है। तो इसलिए जो है आज तो नहीं हो सकता, कल जो है ना मैं सुबह अंदर जो है ना इनके लिए बिछा दूँगा रेत, ढेर सारी रेत होगी, ज़रा नरम नरम सिस्टम होगा इनका, तो उसके अंदर जो है ना ये फिर खोद वगैरह भी सकते हैं। अभी तो वैसे बस जो है ना ये थोड़ा पुराना भूसा सा पड़ा हुआ है, चाहे इनमें से बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और इनमें से एक रैबिट जो है ना यहाँ से जो है ना उधर अंदर खड़ा हुआ था, मतलब वहाँ से जो है ना ये बाहर आ सकता था, पता नहीं यहाँ से ईंटों के ऊपर कैसे चढ़ के जो है ना गया था, इस जगह पर जो है ना खड़ा हुआ था। खैर यहाँ पर मैंने ये रख दिया ताकि यहाँ से बाहर ना आ सकें। वैसे तो कोई इशू नहीं है अगर बाहर आ भी जाएँ, क्योंकि ये मुर्गे कौन से हैं, कुछ कहेंगे, मतलब रैबिट को तो अब कम से कम नहीं मारेंगे ये लोग। लेकिन फिर भी ये है ना कि यहाँ से अब बाहर निकल गए तो फिर इन्होंने जो है ना उधर कहीं बाहर जाना है, चले जाना है इस जगह से, तो इसलिए बेहतर है कि जाना इसके अंदर ही रहे। अच्छा तो यार मैंने ना बड़ा पता किया कि जो है ना कोई मुझे अंडे मिल गए किसी फैंसी मुर्गी के, काफ़ी ऑनलाइन भी मैंने चेक किया, तो मुझे बस सिर्फ मिल रहे थे सुजैक्स के, तो या उसके मिले थे या फिर उसके अलावा जो बाकी थे ना वो थे कार्गो, मतलब लाहौर से या फिर इधर उधर से जो है ना कार्गो करवाने पड़ने थे बॉन्डे। तो इसलिए मैंने कहा कि यार कार्गो वाला सिस्टम तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, जो यहाँ से ही मिलते हैं ना, मुझे यहाँ से जो मिल रहे थे सुजैक्स के, तो वो अभी मैं जाना था, लेकिन अब हो रही है बाहर बारिश, अब पता नहीं कब आ जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। मेरा तो दिल था कि आज ही चला जाता और जाके वो मैं ले आता और उस जगह पर जो है ना जगह बना के जो है ना अपनी वो जो मुर्गियाँ कुड़क हुई हुई हैं उनको वहाँ पे बिठा देना था, लेकिन यार ये बारिश ने जो है ना सारा काम ख़राब कर दिया। बारिश जो है ना बड़े गलत टाइम पे स्टार्ट हुई है। मैंने अभी जो है ना फ़ोन किया था उन्हीं भाई को जिनसे अंडे लेने हैं, उनको मैंने कहा था, वो कहते हैं कि जो है ना 4 बजे तक तकरीबन 6 अंडे अभी उनके पास अवेलेबल हैं, और बाकी जो 2 अंडे हैं ना वो कह रहे थे कि 4 बजे तक आप मुझे कॉल करना, तो फिर आपको मैं बताऊंगा कि और अंडे दिए या नहीं दिए, वरना फिर जितने भी अंडे हुए ना 6 हुए या जितने भी हुए तो वही जाके जो है ना ले आएंगे। तो अभी सबसे पहले तो मैं इनको कपड़ा इनका आगे करता हूँ, क्योंकि ये वरना जो है ना पानी अंदर चला जाना इनके, इसको अगर इस तरह आगे कर देना तो फिर पानी अंदर की तरफ नहीं जाता इनके केजीज में। तो ये अभी जो है ना पहले इनको बंद कर देते हैं फटाफट से। तो ये ऐसे जो है ना इनको मैंने कर दिया है कवर, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये वाली मुर्गियाँ थी, अब पता नहीं यार इसमें से कुड़क इनका टूट ना गया हो, नहीं बैठी हुई हैं, चलो शुक्र है ये दोनों बैठी हुई हैं। आज जो है ना इनके नीचे बिछाने हैं अंडे, ऊपर बिठा देंगे इनको, और फिर ये हमारा ये वाला मुर्गा ये अकेला हो जाएगा, तो इसके साथ जो है ना मैं कोई और मुर्गी वहाँ से ढूंढ के ना उसको इसके साथ छोड़ दूंगा, और इन दोनों को जो है ना अलग बंद कर देंगे। वो इनके लिए जो है ना मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन सी जगह है, उस जगह पे जो है ना इनको बंद करके दोनों को एक ही जगह पे जो है ना अंडों पर बिठा देंगे, क्योंकि ये इकट्ठी रही हैं काफ़ी टाइम से, तो इसका मतलब है लड़ेंगी नहीं है आपस में, लड़ाई नहीं करेंगी। तो अगर इनको अकेला बिठा भी दिया, मतलब इकट्ठा बिठा भी दिया जाए ना, तो फिर भी कोई इशू नहीं होगा, एक दूसरे को तंग नहीं करेंगी ये। ये वाली जो जगह है ना इस केज के अंदर, यहाँ पे ये हमारे होते हैं किंग पिजन्स, इन दोनों को यहाँ से निकाल देंगे, और उन दोनों मुर्गियों के लिए जो है ना यहाँ पे भी मैं सेट करता हूँ, ताकि यहाँ पे जो है ना उनको बिठा दिया जाए और बाहर से इनको कर देंगे बंद, ताकि जो है ना कोई इनको डिस्टर्ब ना करे। 8 अंडे अगर मिल गए ना हमें, तो 4 अंडे एक मुर्गी के नीचे, 4 अंडे दूसरी मुर्गी के नीचे रख देना, तो उनको यहाँ पर अलग अलग बिठा देंगे यार। बल्कि अभी जो है ना मैं यहाँ से ये साफ कर रहा था, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसकी जगह अगर इस वाले केज में बना दिया जाए उनका, फिर यहाँ पे भी वैसे सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये है ना पानी वगैरह को नहीं जाएगा और सेफ रहेंगे यहाँ पे ये मुर्गियाँ जो हैं। तो मेरा तो दिल है कि जो है ना उस केज की जगह जो है ना इधर ही बना देता हूँ मैं, इधर सेटिंग करता हूँ ना ये पहले से ही यहाँ पे इसमें ये भूसा वगैरह थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, और डाल के जो है ना एक वहाँ पे तो पहले का बना हुआ है, उधर एक को बिठा देंगे और उसके साथ यहाँ पे बना के ना, या फिर इसके साथ इस जगह पे यहाँ पे दूसरी मुर्गी को बिठा देंगे।
ये देखें, पहले जो है ना इसमें मैंने नीचे सारे रख दिए हैं गत्ते और ऊपर इसके ईंटे ऐसे करके रख देते हैं, और ये दूसरी यहाँ पर रख के ना ऐसे, और इसके यहाँ पे और वहाँ पे मैं रख देता हूँ वो भूसा। तो ये देखें ऐसे जो है भूसा रख दिया है दोनों में ऐसे करके, और अब जो है ना इस पर जब अंडे आ जाएंगे ना तब इसमें एक को वहाँ पे बिठा देंगे और दूसरे को यहाँ पे बिठा देंगे। अगर तो 6 अंडे हुए तो फिर जो है एक के नीचे ही रख देंगे वहाँ पे या यहाँ पे, और अगर 8 अंडे हुए तो 4 अंडे यहाँ 4 वहाँ, क्योंकि अब दोनों कुड़ो कोई हुई है तो फिर ये है ना कि चलो दोनों जो है उनका उनसे फ़ायदा उठाया जाए। वैसे तो खैर एक मुर्गी के नीचे भी 8 अंडे रख सकते हैं, लेकिन अभी देखते हैं ना कितने अंडे मिलते हैं। अभी तो खैर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो अभी मैं जाता हूँ नीचे और फिर जब अगर बारिश रुकी तो फिर देखते हैं आज आके जाना, फिर मैं ले आऊँगा अंडे। अभी तो सारे जाना इधर उधर कहीं ना कहीं घुसे हुए हैं ये दोनों जो हैं यहाँ पे, इनको मैंने अंदर बंद किया था लेकिन ये फिर बाहर निकल आए हैं, और दूसरी एक मुर्गी वो उधर नीचे घुसी है, फिर ये बीमार हो जाती हैं। अभी अंदर कहीं घुस के ख़राब ना कर दे सारी जगह। तो खैर अभी मैं जाता हूँ नीचे और फिर जाना देखते हैं, बारिश रुकती है तो जा कर ले कर आता हूँ। अच्छा तो यार बारिश जो है ना कल कोई नहीं रुकी थी, और उसकी वजह से जो है ना मैं जा नहीं सका था लेने के लिए, तो अब आज अगला दिन है, अभी भी जो है ना देखें बारिश हो रही है। तो फिर मैंने कहा चलो खैर जो भी है अब लेने तो हैं अंडे, तो गाड़ी पे जा के ले आता हूँ। तो अभी मैंने भाई को कॉल की है, उनको मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाएँ। तकरीबन कल जो है 6 अंडे थे शायद उनके पास, तो आज अभी वो बता रहे हैं कि जो है ना 7-1 अंडे हो चुके हैं उनके पास, तो वो अभी जो है ना फिर जाते हैं और अंडे लेके जो है ना फिर मैं घर जाकर उनके मुर्गियों के नीचे रखता हूँ। आज थे भाई सामने वो जो खड़े हुए हैं साइकिल वाले, और ये जो है ना वो दे गए हैं अंडे, इसके अंदर तकरीबन 9 अंडे हैं। तो घर लेके जाते हैं और इनको जो है ना फिर रखते हैं हम अपने अपनी मुर्गी के नीचे रखते हैं। तो यार ये हैं वो अंडे, और इनको पहले मैं खोल दूं और फिर जो है ना निकाल के दिखाता हूं और रखते हैं अपनी जो है ना मुर्गी के नीचे फिर। तो ये चेक करें, ये हैं जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंडे, और यार ये साइज़ इसका चेक करें इतना बड़ा साइज़ है। और आज जो है ना वो मैंने देखा था कि जो हमारी ये है ना बेंटम, इन्होंने भी जो है ना 2 अंडे दिए हुए थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो है ना वो 2 अंडे हैं ना वो भी नीचे रख लेते हैं इन्हीं के साथ। तो ये वो 2 अंडे हैं, ये हमारी बेंटम के हैं, ये देखें ये इसका साइज़ देखें, और उसके बाद ये चेक करें कितना डिफरेंस है। ये वाला जो है वाइट सुजक्स का है अंडा, और ये वाली हमारी बेंटम का अंडा है। तो खैर वो वाइट सुजक्स जो पेरेंट है ना जिनके ये अंडे लिए हैं, वो भी जो अभी मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, तो वो भी आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह के जो है ना बच्चे निकलेंगे। तो खैर ये वीडियो आपने देख ली है, इस तरह के अल्लाह करे अब इसमें से जो है ना बच्चे निकल आए हमारे। तो अभी पहले मैं ज़रा अंडे सेट कर लूँ ये सारे यहाँ पे नीचे जो जगह बनाई है, उसके बाद फिर मुर्गियों को ला कर जो है ना छोड़ेंगे यहाँ पे 1, 2, 3 और ये, यार ये वैसे मुझे किसी और मुर्गी का लग रहा है, इसका तो कलर भी चेंज है। ये देखें ये किसी और तरह का है, ये किसी और तरह का है। उनके पास 2 मुर्गियां हैं, तो हो सकता है कि ये वाइट वाले एक अलग मुर्गी के हों और ये जो थोड़े ऑरेंज से हैं ये किसी और के, वैसे वैसे कलर पता तो नहीं चल रहा कि क्या फ़र्क है ज़्यादा, लेकिन ये वाले जो है ना ऑरेंज हैं, ये वाइट हैं, ये 3 जो हैं। खैर जो भी आप रख देते हैं निकलने हुए तो फिर देखा जाएगा। 4, 5, 6 ये जो हैं 6 अंडे, जिसमें 2 हमारे बेंटम के हैं, इनको रख देते हैं यहाँ पे, ये देखें ऐसे करके, और ये 5 ये हो गए। अब जो है ना मुर्गी को लाते हैं और उसको इन पे बिठाते हैं,
बस ये है कि एक्सेप्ट कर लें नंडों को, ये ना जगह चेंज हो तो वो बैठे ही ना। हाँ भाई कैसी हो दोनों, इधर आओ भाई तुम्हें मैं ले के जाऊँ, हट जाओ तुम, इधर आओ, इधर आओ, जाओ। अब जरा चेक करते हैं कि ये बैठती है कि नहीं बैठती। यार ये तो अभी वैसी की वैसी ही खड़ी हुई है, बैठ को नहीं रही। तो मेरा तो दिल है कि जो है ना ऐसे करते हैं नीचे से वो मैं लेके आता हूँ तगारी, और वो जो है ना इसको ज़बरदस्ती बिठा के ना इसके ऊपर तगारी रख देंगे ताकि ये उठ ना सके दोबारा। तो ये अभी दूसरी मुर्गी को भी मैं ले आया हूँ, लेकिन यार कोई नहीं अभी फ़िलहाल तो नहीं इनको को दिल का आ रहा मेरे ख्याल में बैठने का अंडों पर। तो अभी ये तगारी भी मैं ले आया हूँ, अगर तो नहीं बैठती ना थोड़ी देर तक फिर मैं ज़बरदस्ती बिठा के ना ऊपर तगारी रख दूँगा, तो फिर इनको जो है ना आदत हो जाएगी बैठने की। असल में ना मुर्गी जहाँ पे अंडे देती है ना उसी जगह फिर वो जो है ना कूड़ा कोकर बैठना चाहती है कि उसी जगह पे जो है ना अंडे पड़े और वहीं पे वो बैठ जाए, इसलिए उनको भी वहाँ से उठा के मैंने इधर शिफ्ट किया ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा उनको यहाँ पे एडजस्ट होने में। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि जो है ना लो ये तो आराम से खेलना शुरू कर दिया इन्होंने मिट्टी के अंदर, इनको जो है ना मेरे ख्याल में ज़बरदस्ती बिठाना पड़ेगा ऊपर तगारी रख के, तो यही करता हूँ मैं अभी। लो भाई ऐसी कोई बेवकूफ मुर्गी है यार, अंडा ही तोड़ दिया इसने एक, ये तो देखें, हाय हाय ओए भाग, ये तो देखें अंडे का यार रड़ा निकाल दिया एक अंडे का इसने, हाय हाय अभी खा रही है बेवो, इसको तो जो है ना आदत पड़ जानी है। तो यार यहाँ से दोनों जो है ना निकल के भाग गई थी और उनको जो है ना वापस मैंने बंद कर दिया जहाँ से उनको लेके आया था, ये यहाँ पे वापस। तो अभी तो जो है ना यहीं पे अंदर रहें, फिर रात को मैं आऊँगा ना, रात को इनको सही जो है ना पता चलेगा कि कैसे जो है ना बंद करना है। अभी रोशनी है तो इनको जो है ना पता चल रहा है कि जो है ना जगह चेंज हो रही है, तो अभी ये काबू नहीं आएंगी। तो रात को जो है ना आके इनको मैं जो है ना दोबारा से अंडों पर बिठाऊँगा। तो खैर ये थी आज की मेरी वीडियो, और बल्कि कल फिर आप लोगों को बताऊँगा कि जो है ना अंडों पर बैठी हैं कि नहीं बैठी हैं। तो खैर ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दें लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।